बहुत इज्जत से कम होता है इन गद्दारों के लिए तो इज्जत कभी नहीं, लेकिन फिर भी एक इज्जत से यह है कि कब तक साली कड़ी निंदा, कब निकलेगा भाई डंडा, बहुत हो गया कड़ी निंदा, इतने साल तक यही कर रहे हैं। अब बहुत सामान्य सी भाषा में तीन सवाल, एंड हर यूथ को, हर युवा को ये तीन सवाल अपने आप से पूछना है। पहला, हम कब तक इन बेवकूफों को सुनते रहेंगे? आपके पास सोशल मीडिया का पावर है, आप उस मीडिया का क्या यूज करते हैं, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू हैव टू टेक, आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ उसके द्वारा। पहला सवाल यह है कि ह्यूमन राइट्स की हमेशा बात होती है, राइट? जब पत्थर मारे जाते हैं तो ह्यूमन राइट्स की बात होती है। नंबर एक, ह्यूमन राइट्स किन का है? जिन पत्थर फेंकने वालों पर सिपाही अगर कुछ करते हैं तो ह्यूमन राइट्स होता है। देखो सर, यंग ऑफिसर जो अभी भी हमारा एक भारतीय सेना के एक ऑफिसर है मेजर साहब, जिनने अपनी गाड़ी के बोनट पर एक आतंकवादी को बांधा और चूंकि उनको कुछ लोगों को पार कराना था वो एरिया, उसको बांधा और उसको उस साइड ले जाकर उतार दिया, लेकिन वो कौन था? पत्थर फेंकने वाला था, गद्दार था, ठीक है? उसके अगेंस्ट में इस आदमी पर कार्रवाई हो रही है, बट आई स्टैंड बाय हिम एंड यू ऑल मस्ट स्टैंड बाय हिम, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कुछ भी गलत नहीं किया, जिसको जो भाषा समझ में आई वो भाषा में समझाया गया। हाँ, पैलेट गन्स बंद होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उससे चोट लगती है। सीधे राइट स्ट्रेट अवे 5.56, 7.62, 9 mm सीधे ओरिजिनल हथियार यूज होना चाहिए। दो चार दस की खोपड़ियां उड़ेंगी ना जब, उसके बाद सब सन्नाटा हो जाएगा। क्यों? उसका रीजन है सेल्फ डिफेंस, जो अभी तक फौज यूज नहीं कर रही है, हमारी भारतीय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस सेल्फ डिफेंस में यूज नहीं करे। जिस दिन अगर उन्होंने सेल्फ डिफेंस का एक्ट पूरा 96-107 तक यूज कर लिया ना, ठोक के रख देंगे पूरे को, और पूरी जिनकी आजादी ना, इनकी इनकी जो आजादी है ना, सही जगह चली जाएगी, बोलने की जरूरत नहीं है। पहला, तो क्या मानव अधिकार, क्या भारत में ह्यूमन राइट्स सिर्फ और सिर्फ उन गद्दारों के लिए है जिनको फौज हाथ उठाती है? और उन लोगों से मेरा एक सवाल है जो मानव अधिकार की बात करते हैं, सिपाही का मानव अधिकार क्या, बताइए? या जो वहां पर बूढ़े मर रहे हैं सिपाही, जो वहां पर सिविलियंस मर रहे हैं, उनका मानवाधिकार क्या? 33,792 लोग ये अस्पताल में डले हुए हैं उसी जम्मू कश्मीर की आजादी के लिए। और कौन सी आजादी भाई? कोई आजादी नहीं है, सब स्यापा है, पॉलिटिकल एक एजेंडा बनाया जाता है सिर्फ फंड्स लेने के लिए, और कुछ नहीं है, राइट? नंबर वन। नंबर टू, जब गवर्नमेंट ने, हम ना किसी सरकार के सगे ना किसी के उपकार के सगे, हम सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों के और फौजियों के परिवार के सगे, हजार बार बोला है फिर से बोल रहे हैं। एक बात समझिए, यस, दो टाइप के पॉलिटिशियन है देश में। पहला, एक वो जो सपोर्ट कर रहे हैं फौज को, जो कहते हैं कि अगर आप पर वार होता है तो आपको मारना पड़ेगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत सर हैज ऑलरेडी मेड इट वेरी क्लियर आफ्टर दिस रीसेंट अटैक कि अगर अब हम पर होगा, वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट एंड द आर्म्ड फोर्सेस विल रिटेलिएट एट द राइट टाइम। वो कभी भी हो सकता है। फौज जिस दिन पागल पे आई, ध्यान रखिए 741 किलोमीटर की पूरी एलओसी है, एक दिन में ऑल द पोस्ट विल बी रेज्ड टू द ग्राउंड, एक दिन के अंदर सफाया। लेकिन वही बात है ना, ना भाषण चाहिए ना राशन चाहिए, हिंदुस्तानी फौज की तरफ से बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, कोई आर्मी ऑफिसर नहीं, कुछ नहीं, एक भारतीय, सामान्य भारतीय के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि समवन हैज टू स्टैंड एंड स्पीक ऑन देयर बिहाफ। सो द राइट टू रिटेलिएट हैज बीन रिजर्व, बट नाउ दिस विल हैव टू कम इन द एग्जिस्टेंस। ये हो गया मैटर नंबर एक कि ह्यूमन राइट्स क्या सिर्फ गद्दारों के लिए इस देश में, सिपाहियों के कोई राइट्स नहीं है? एंड व्हाट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स of the soldier? We all have to answer. Jai Hind, Vande Mataram, Inquilab Zindabad, Bharat Mata Ki Jai.